पाठ तीन, शब्द विचार। शब्द। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। गाय पेड़ के नीचे बैठी है। आम की डाल पर कोयल बैठी है। तालाब में कमल खिला है। तारे रात्रि में चमकते हैं। इन वाक्यों में प्रत्येक वाक्य कई शब्दों से मिलकर बना है, जैसे गाय जमा पेड़ जमा के जमा नीचे जमा बैठी जमा है, आम जमा की जमा डाल जमा पर जमा कोयल जमा बैठी जमा है, तालाब जमा में जमा कमल जमा खिला जमा है, तारे जमा रात्रि जमा में जमा चमकते जमा है। परिभाषा। वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कमल तालाब आकाश पेड़ तारे आदि। शब्दों के प्रकार। वर्णों या ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं। ध्यान रखिए कि केवल इनका मेल ही काफी नहीं है। जब तक इस मेल का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता, कोई वर्ण समूह शब्द नहीं कहला सकता। जैसे तालाब एक शब्द है क्योंकि इसका एक निश्चित अर्थ है। बलाता शब्द नहीं है क्योंकि इसमें वही सब ध्वनियां होने के बावजूद इसका कोई अर्थ नहीं है। अतः हम कह सकते हैं स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। जैसे लड़का पुस्तक आदमी गाय मेज आदि। वर्णों का ऐसा मेल शब्द कहलाता है जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे लड़का लड्डू बकरी। निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वड्डू वानी वल आदि। ऐसे शब्द हिंदी में बहुधा सार्थक शब्दों के साथ आते हैं, जैसे शब्द युगम लड्डू वड्डू फल वल पानी वानी खाना वाना। सार्थक शब्द लड्डू फल पानी खाना। निरर्थक शब्द वड्डू वल वानी वाना। प्रयोग की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष कारक के कारण विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण शब्द विकारी शब्द हैं। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। लड़का पढ़ रहा है। लड़की पढ़ रही है। लड़के पढ़ रहे हैं। लड़कियां पढ़ रही हैं। वह खाना खाएगी। वे खाना खाएंगे। वह पके आम लाई। वह पक्का फल लाया। उसने खाना खा लिया है। उन्होंने खाना खा लिया है। वे पके आम लाई। वे पके फल लाए। अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष कारक के कारण विकार अर्थात परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक विस्मादि बोधक तथा निपात आदि अविकारी शब्द हैं। लड़का धीरे धीरे चल रहा है। बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। लड़का एक वचन की क्रिया चल रहा है के साथ उसका रूप धीरे धीरे तथा बच्चे बहुवचन की क्रिया चल रहे हैं के साथ भी इसका रूप धीरे धीरे है। इसमें कोई विकारीय परिवर्तन नहीं हुआ, अतः यह अविकारी शब्द है। संबंध बोधक संयोजक तथा विस्मयादि बोधक शब्द भी अविकारी हैं। अविकारी शब्द को अव्यय कहते हैं। शब्द भेद को हम निमांकित रेखा चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। शब्द विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया।
अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात।